नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज जो हम सी के अंदर टॉपिक करेंगे वो करेंगे पॉइंटर ऑपरेशन के अंदर डिक्रीमेंट पॉइंटर। और डिक्रीमेंट पॉइंटर के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पर पॉइंटर की वैल्यू को एक माइनस कर देते हैं। तो जैसे हमने इंक्रीमेंट के ऑपरेशन को परफॉर्म किया था, उसी तरह से हम यहाँ डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं पॉइंटर वेरिएबल का। अगर हम किसी भी पॉइंटर को डिक्रीमेंट करते हैं तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो प्रीवियस लोकेशन का जाता है। और फॉर्मूला यहाँ डिक्रीमेंट का जो है वो आपको क्या दिया गया है कि पॉइंटर में से आपको एक को माइनस कर देना है। अगर आप 32 बिट के पॉइंटर की बात करते हो तो वहां पर आपके पास डिक्रीमेंट होता है 2 बाइट का। और अगर आप 64 बिट के वेरिएबल की बात करते हो तो वहां पर आप डिक्रीमेंट करते हो 4 बाइट। तो मैंने यहाँ एक प्रोग्राम क्रिएट किया है, जैसे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, वर्ड मेन, मैंने इंट नंबर लिया 50, एक पॉइंटर लिया पी, और यहाँ पर जो पी पॉइंटर है इसको मैंने स्टार ऑपरेटर से इनिशियलाइज कर दिया है कि मेरे कंपाइलर को पता लग जाए कि जो मेरा पॉइंटर है वो यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया है। इसी तरह से अगर मैं पी की बात करता हूँ, नेक्स्ट में मैंने क्या किया, एक नंबर को पॉइंटर बनाया, एड्रेस पॉइंटर, और अपने पॉइंटर के अंदर स्टोर कर दिया। तो जब मैं पी के एड्रेस को प्रिंट करता हूँ, फर्स्ट लोकेशन पे मेरा पहला एड्रेस प्रिंट होगा। जैसे मैंने उसको डिक्रीमेंट किया, नेक्स्ट लोकेशन पे मैंने उसको जो मेरा आफ्टर डिक्रीमेंट वैल्यू आएगी वो प्रोवाइड होगी, या वो रिजल्ट के थ्रू आपको स्टोर की जाएगी। तो आइए हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर कि आप इसको किस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। तो ये देखिए मेरे पास जो सी की स्क्रीन है वो आ चुकी है। मैं सबसे पहले यहाँ पर अपनी हेडर फाइल का यूज करता हूँ, इनक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इनक्लूड कॉर्नियर डॉट एच। मेरा वर्ड मेन फंक्शन, मैं सबसे पहले यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं, वेरिएबल लिया मैंने int a, a को मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी 20। मेरा क्लियर स्क्रीन फंक्शन, और यहां पर मैं प्रिंट एफ कर देता हूं ए की वैल्यू को, प्रिंट एफ। वैल्यू ऑफ पॉइंटर बिफोर डिक्रीमेंट, तो हम हमेशा पॉइंटर की वैल्यू को यू से रिप्रेजेंट करते हैं जब भी हमें एड्रेस को रिप्रेजेंट करना हो। और यहां पर मैं ले लेता हूं स्लैश एन ताकि मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकूं जो मैं नेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहता हूं। तो मैंने यहां पर जो लिया वो किसकी वैल्यू को यूज करना है मुझे, पॉइंटर की। तो पॉइंटर की वैल्यू को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंटर वेरिएबल को लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ एक पॉइंटर वेरिएबल को यूज कर लेता हूँ। पॉइंटर वेरिएबल को मैं ऐसे यूज करूंगा, इंट स्टार पी, और मैंने यहां पर ले लिया P इक्वल टू एड्रेस A, कि A का एड्रेस P के अंदर स्टोर हो जाए। अब मुझे वैल्यू किसकी प्रिंट करनी है, P की। तो जैसे मैंने P की वैल्यू को यहाँ प्रिंट किया, नेक्स्ट लोकेशन पे मैं क्या करता हूँ, P में एक का माइनस कर देता हूँ। तो मैंने P में एक का माइनस किया, मैं अगेन प्रिंट एफ करता हूँ, वैल्यू ऑफ पॉइंटर आफ्टर डिक्रीमेंट। तो यहां पर मैं किसको यूज करूंगा, परसेंटेज यू को। मैंने परसेंटेज यू को यूज किया और यहां पर पॉइंटर की वैल्यू को डाल दिया। इसी तरह से मैं यहां गेट करेक्टर फंक्शन का यूज करता हूं, अपने प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। तो जैसे ही मैंने अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया उसने मुझे वैल्यू दिखा दी कि बिफोर डिक्रीमेंट मेरी वैल्यू क्या थी, 524, और आफ्टर डिक्रीमेंट 522। मैंने आपको एग्जांपल के अंदर बताया था कि जो आपका कंपाइलर है अगर वो 16 बिट का है तो 16 बिट के कंपाइलर में आपके पास क्या होगा, जो डिफरेंस होगा वो 2 बाइट का होगा। और अगर आपका 32 बिट का कंपाइलर है तो आपका जो डिफरेंस है वो 4 बाइट का होगा। हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।